अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। अ मदर इज़ 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी। हाउ ओल्ड विल द बेबी बी व्हेन हर एज इज़ 1/4 डेट ऑफ हर मदर। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी ओल्डर का जिक्र होगा तो आप प्लस की साइन यूज़ करेंगे, और अगर बिफोर का यूज़ हो, जैसे पहले की बात की जाए, तो आप माइनस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओल्डर वर्ड जो है यूज़ किया जा रहा है, इसलिए प्लस साइन यूज़ होगी। अ मदर एज इज़ 21 ईयर्स। लेट सपोज मदर एज इज़ 21 ईयर्स और बेबी एज, या कह लेते हैं न्यू बॉर्न बेबी एज इक्वल टू मदर एज 21 प्लस एक्स। एक्स जो है वो बेबी एज को शो किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हम एज फाइंड करेंगे। बेबी कंडीशन ये है कि हाउ ओल्ड विल द बेबी बी व्हेन हर एज इज 1/4 डेट ऑफ हर मदर। जब वुमेन की एज होगी 1/4, तो उस वक्त बेबी की एज क्या होगी। यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक अगर बेबी की एज फ़िलहाल 0 है, मतलब 21 है और वो न्यू बॉर्न बेबी है, और अगर बेबी की एज 1 होगी तो मदर की एज जो है 22 होगी, क्योंकि 21 प्लस 1 इक्वल टू 22। अगर बेबी की एज 2 ईयर्स होगी तो मदर की एज जो है 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगी। अब गिविन कंडीशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि बेबी की एज 21 प्लस एक्स अपॉन 4। जब गिवन कंडीशन 1/4 ऑफ हर मदर एज इक्वल टू बेबी एज, ये हमें इक्वेजन मिल गई। देन अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, इक्वल टू 21 प्लस एक्स। 4x इक्वल टू 21 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाता है। एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 21। देन 4x माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 21। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 21 अपॉन 3। देन इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 7 20। x इक्वल टू 7।